जो अपेक्षाएं इस नई गवर्नमेंट को जनादेश के माध्यम से था, आप इस बजट को देखने के बाद, बजट की पूरी रूपरेखा जो एक ड्राफ्ट आया है उसको देखने के बाद कहीं से दोनों के बीच में तालमेल नहीं लगता है, एक धोखा की तरह लगता है जनता के साथ, क्योंकि जिस मापदंडों, जो प्रॉमिस के साथ गवर्नमेंट आई, वो प्रॉमिस से काफ़ी दूर है गवर्नमेंट, और किसी एक विषय पर फोकस नहीं हुआ है। मैंने यही अपन में कहा कि कल आपने श्वेत पत्र लाया, राज्य की अद्यतन स्थिति पर आपने बात किया। ये सच्चाई ये है कि जो 86 करोड़ का बजट लाया गया पिछली सरकार, 85 के आसपास में लोग बजट ला रहे हैं, ये बजट में कभी भी पिछले 5 वित्तीय वर्ष को निकाल के आप देख लीजिए, जो भी इनके रिसोर्स आने हैं, रिसोर्स जो फंड का होता है, वो कभी भी पूर्ण हो ही नहीं पाता। एक बड़ा गैप 18 से 20 हज़ार करोड़ का गैप बना हमेशा रहा है। आप इसको 1 लाख करोड़ आप कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये चीज़ें प्रतिलक्षित होनी चाहिए योजनाबद्ध रूप से कि लोगों को इस विषय पर इतनी राशि हम यहाँ तक, और इनको इतना दूर तक हम आच्छादित करने की तैयारी हमारा है। किसी क्षेत्र में जाए, कृषि ले लीजिए, ग्रामीण विकास ले लीजिए, किसी क्षेत्र में। मैं प्रॉमिस के 2-3 विषय के कर रहा हूँ। चुनाव से पहले हर मंच पर खड़ा होकर सत्तारूढ़ दल ने यह आह्वान किया था कि यहाँ के नौजवानों को, बेरोजगार नौजवानों को भत्ता देने का काम करेंगे। 5 लाख नौकरी के लिए तो हम इंतजार जरूर करेंगे, लेकिन भत्ता का शुभारम्भ आपने कर दिया। शुभारम्भ अगर आपने किया तो भत्ता का जो आप देखेंगे, 5,000 रुपया प्रतिमा, 7,000 रुपया प्रतिमा का घोषणा पत्र में तय, लेकिन यहाँ पर आप 5,000 और 7,000, जो एक स्कूली क्लास 1, 2, 3, 5 से 10 तक के बच्चों को स्कॉलरशिप मिलता है, बिल्कुल उसी तर्ज पर आपने बच्चों को वहाँ खड़ा कर दिया, यहाँ के किशोर को, यहाँ के नौजवानों को वहाँ जाके खड़ा कर दिया। तो एक बेसिकली धोखा हो गया, लोगों में एक आशा और उम्मीद थी कि कुछ अगर राज्य सरकार का सहयोग मिलेगा तो वो प्रतियोगिता परीक्षाओं में या फिर अपनी तैयारी में कुछ हिस्सा बन सकता था कि वो लाइफ में जो संघर्ष कर रहे हैं वहाँ सरकार उनके साथ खड़ी है, ऐसा दिखाई देता है, जो नहीं दिखाई दे रहा है कि ये बजट गांव, गरीब, किसान, बेरोजगार विरोधी ये बजट है। किसानों की आय को बढ़ाने की दिशा में, किसानों की आय को दुगुना करने की दिशा में जो सारी योजनाएँ हैं पूरी सरकार में हम लोगों ने आदरणीय रघुवर दास जी के नेतृत्व में चलाई थी, वो सारे किसानों की आधारभूत संरचनाओं के लिए योजनाओं को इस सरकार ने बंद कर दिया। पहला मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना, जिस योजना के माध्यम से 5,000 से लेकर 25,000 तक राज्य के किसानों के खाते में सीधे हम लोग 3,000 करोड़ रुपया दे रहे थे, उसको इस सरकार ने बंद कर दिया। और हर साल वो मिलने वाली योजना थी केसीसी लोन, जो माफ़ी की बात यहाँ हुई है, 14,000 करोड़ रुपया चाहिए अगर 2 लाख तक का केसीसी लोन माफ़ करते हैं, तो यहाँ 2,000 करोड़ का इन्होंने बजट में प्रावधान किया है, जो उसमें भी बहुत तरह का है तो वह मचेगा किसानों के बीच में। बंजर भूमि राइस फेलो योजना, जो किसानों के लिए अति महत्वाकांक्षी योजना था, 310 करोड़ रुपया का उसके अंतर्गत तालाब जीर्णोद्धार, 5 एकड़ से नीचे तक का 2,000 तालाबों के जीर्णोद्धार इस राज्य में हो रहे थे, इससे मछली पालन को बढ़ावा हो रहा था, उस योजना को सरकार ने बढ़ावा बंद कर दिया। नए पॉपुलेशन टैंक का जो निर्माण हो रहे थे जल निधि योजना के तहत, डीप बोरिंग का निर्माण हुआ था उसके लिए 150 करोड़ का योजना थी, वो योजना को सरकार ने बंद कर दिया। 90% अनुदान पर किसानों को 2 गाय मिल रहा था बीपीएल परिवार को, उसको सरकार ने जो बजट में कोई प्रावधान नहीं किया। आम बजट में तो उनका कोई विजन नहीं दिखा, सरकार का कोई विजन दिखा नहीं, पिछली सरकार का ही एक्सटेंशन रूप है, ज़्यादा से ज़्यादा कट चलाया है, वेस्ट कुछ नहीं किया है, ये इसको करके लगाने का काम किया है, यही सरकार है, और पूरी जनता ने देख लिया कि ठग लिया है, इसने ठग लिया है जनता। झारखंड का नंबर 1 एकमात्र संस्थान NIPM, साई टावर 4th फ्लोर, सर्कुलर रोड, रांची।